हेलो गाइस, तो अभी हम गांव पहुंच चुके हैं। जस्ट अभी पहुंचे हैं, दादी जी के पास जाके आए गांव, मम्मी के पास जाके आए, मामा जी और के जाके आए, सबके राखी बांध के और हम पहुंच गए। सॉरी, हमको एक ट्रिप नहीं बना पाए क्योंकि मम्मी मामा जी और के गए तो वहाँ मामा जी की तबीयत खराब थी, इसलिए डेंगू रखा था उनके, इसलिए वहाँ भी नहीं बना पाए। और यहाँ आई है जस्ट, ये देखो मैं से कपड़े निकाल रही हूँ, उनके कपड़े वहीं भूल गई मैं, वो डांट रहे, फाइटिंग कर रहे हैं। तो बस अभी इन्हें समेट देती हूँ, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर मिलवाती हूँ आपको मम्मी से। दीदी को कोई नहीं आए, यहाँ देखो बेड पे डस्टी डस्टी जम चुकी है। ओके, तो आप सब बने रहो, यहाँ पे साफ सफाई करनी है अभी तक मेरे को, फिर मिलवाती हूँ आपको, मम्मी और से, उधर लेके चलती हूँ। उधर मम्मी खाना बना रही है, काचड़ी की सब्जी और रोटी। देवी भाई साहब घर पे घी गाय का शुद्ध घी, काचड़ी और थोड़ी की सब्जी, और हमारा पतली का तो मम्मी बना रही है दोपहर खाना। हमारे क्या मामा जी और के खा के आते, वहाँ भी राखी बांधने गए थे पर वहाँ तबीयत खराब थी, सोचे भाई पता नहीं खा के आएंगे और हम आए लेट क्योंकि अंधेरा हो चुका है। थागन बैटरी का औला आते हैं आज, जयपुर से घर आने के बाद में मजा आ गया रोटी खाने में क्योंकि वहाँ पे गैस की खानी पड़ती है, यहाँ चूल्हे की शुद्ध यार खाओ जा, पहले ब्याह से पहले खाओ कौन जाएगी लोग, मैं तारी सासू चोरू की जो बहुत खतरनाक थे, मैं कदी अच्छी तरीके में डेमो लगा दी भाई, मेरी सासू खतरनाक से भाई, वो बचे थे जो मारगन भी की बुराई मत कर दे, मैं तो इन सारी बात कहूँ तो था सब भी बोल दूंगा। सासरा का सुनो, क्या पीर का सुनो, क्या और गांव का सुनो, हकीकत में खतरनाक धन रेल बढ़ा दे। हम तो आगे इधर राखी बांधने वाले को आए नहीं अभी, कल आएंगे अपने अपने घर, हम आगे अपने घर। तो आप सब बने रहो, ये खाना खा लेते हैं। गाइस, तो अभी मैंने ड्रेस चेंज कर ली है और अम्मा भी बुला रही है, वो खाना खा रही है, मैं जा रही हूँ, फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। फिर टाइम मिला तो मम्मी और की बातें हम बैठ के करेंगे, तब और वापस मम्मी से मिलवाती हूँ, वरना ये ड्रेस सबसे हल्की है, इस ड्रेस में मैं बिल्कुल भी परेशानी होती, ऐसी पतली ओढ़ मतलब ऐसे सूती ओढ़नी होती है ना, उनका वर्क नहीं होता, कॉटन की परेशानी होती, और ऐसे हैवी बूटे और ऐसे नहीं ओढ़नी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ आते आते। पहले मैंने ड्रेस चेंज की है, तो आप सब बड़े तो ये देखो भाई साहब, घी से रोटियाँ तो उबल रही हैं, वही तगी भटक रही इसके लिए, देखा सासू माँ ये तगी भटक के खिला रही है रोटी, तो अब ये कितने कितने न्याल करेंगे, ले अच्छा डोल दी मम्मी गले ना गाड़ी का बाहर गंदू कौन डोली था ऐसे कर ली थका तो और बुढ़िन ने से वो मम्मी रे रखा चार डूंगी आज मकान के अंदर पटा कोई ली देगी। ये देखो भाई, वो पाना पीना मना रहे रूस से टेम पर फोन नगरे जो
टाइम पर फोन कौन करे जी दूसरे से कते खूब बुलाया जल्दी काम कौन तो पता है राखी को त्योहार जे ई टाइम दूसरा मौको जे फुल ई टाइम को बात होन दे के टाइम को ये देख लियो गाँव में देसी ठाट रोटी खा ले भाई कती रोटी चौपड़ी अठारी ये देख लो भाई मम्मी जी को ये कितना भी घी हो 5 किलो 10 किलो कितना भी इकट्ठा कर ले और कभी भी चौपड़ी क्यों नहीं खाती ऐसे ज्यादा बोलते ऐसे कहती है दखार लगता है और जब जब कोई नहीं खाता और वही खराब होने वाली चीज तब उसको खाती है जब तक इसे पता है कि ये खाने वाले हैं तब तक नहीं खाती ये देखो इधर कौन सी रोटी है दूसरी है तीसरी दूसरी रोटी प्रोसेस पे और वो चौपड़े जा रही कर दे देख चिखवा दी भी बज रहे शाम के 8:30 और मैं इस बेड की सफाई कर लेती हूँ बहुत ही गंदगी हो रखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही मम्मी को तो वैसे ही बाहर के काम से ही टाइम नहीं मिलता और वैसे तो कर देती है मम्मी पर अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी बैसों के लिए चारा वगैरह लाना और घर का भी रहता है इतना काम एक के लिए नहीं संभाल पाती फिर इसलिए तो मैं साफ सफाई कर लेती हूँ ये देखो बहुत ही गंदगी हो रखी है बोले बहन में और तो कुछ नहीं है डस्ट लगी हुई है तो इन्हें झाड़ लेती हूँ मेरे को नींद नहीं आती डस्ट में बिल्कुल भी तो इसलिए आप सब वीडियो के साथ बने रहो वो गया आज उनके दोस्तों के से मिलने बहुत देर हो गई उन्हें 10-15 आधा घंटा तो हो गया होगा तो वो लोग बुला के और फिर वहीं मिलने गए आ जाऊँगा थोड़ी देर में कॉल कर देना 1-1.5 घंटे में मैं घूम आता हूँ लेकिन जाओ थे भी आज मम्मी से बात कर ले वो आती देर तो मम्मी बेटी जी मार कर डी सूता जा और अब मम्मी भी चल गया और मैं बेटी बो रही थी जो 11 बज गया और बार तन भी दोस्त आगन गेड़ा जी देख लो जाऊँगा पति देव जी मारा फोन कर रही जो उठा रहे और बोल जी सूर्य जो इंतजार कर रही जो और काल तो कन्यान से काल तो राखी बांध न सक तो मैं तो आज ही बांध गई मम्मी पापा के और अडीन मार मामा जी रहे बुला रहे जब जो फिर अडीन आ गई मैं गाँव तो बात में ससुराल जो तो सबसे विनती है कि काल राखी मत बांध जो क्योंकि काल भाई का माता पर बर बाहर रहते होता है तो असी राखी भी का एक काम थी जो भाई का माता पर बर बाहर ही चढ़ा दो तो मैं कर लूँ जो बाबू इंतजार और वीडियो में बैठी बैठी एडिट कर लूँ जो और फिर बनाता ही बस मिलूँगी गाइस ये अब आए हैं 1 साल हो गई मेरी शादी को आज पहली बार हुआ है कि इन्होंने ना पूरे ना 12 बजे दी 11:55 हो गए ये देखो ऐसे पति देव 12 बजे तक कौन दोस्तों के पास बैठते हैं गेस्ट हो गए हद यार मतलब 10 फोन कर दी 10 फोन का क्या हो गया फोन में ना उठा ध्यान जो रहे परेशान कर लिए अपन है ना जीव में उठा और अब मौजूद गया आज तो नया दिन हम दोस्तों को बतलाए हैं कहते हैं एक मानो भाई नया दिन आएगा और मानेगा वो मैं शायद आप कर दे मर जा तू
रही हो जाओ जाओ बाद में सहेली आ रही है हमारा डर चाहिए अर्ध बारह बजे धन्यवाद मोज ही कर दिया उन्होंने नींद आ गई जी आखिरी हम मतलब कम से कम भी 20-25 फोन करें पर हम परेशान है सो जाओ 11 बजे तक तो मम्मी बैठी रही हमारे घर पर मम्मी तो खुल नहीं था मम्मी की बेटा तू फोन चला ला जाओ लो बाहर फोन करे जा करे जा करे जा उठाओ लोग फिर 11 बजे बाद में उठे जान जो अम्मा यहाँ सोच रही पता है मैं अबान ना उठा रहा गाड़ी पर चल रहे अबान ना उठा रहे मैं आखिर में सोच रहा था एक घंटों को अतरी कतरी गाड़ी चल ली पिंकी सो जा तो अब वे भी उठाओ तो वे भी बोलो मैं जीवन रे में सो जी और फिर गेट बजाय जब भी ना उठी फोन करे जब उठी क्योंकि कूलर की आवाज़ ही थी तेज आ तो अब वीडियो ना डे